असलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज हमें मैथ में करना है अपनी एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। क्या करनी है एक्टिविटीज, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 1 to 5 लिखना सीखा था, पता है ना, हमने लिखा था इससे। अब उसी के रिलेटेड हमने आज कुछ एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी है, उन एक्टिविटीज में फर्स्ट जो एक्टिविटी हमारे पास है वो है फाइंड एंड सर्कल द नंबर 5। क्या है फाइंड एंड सर्कल द नंबर 5। फाइंड तलाश करें, ढूंढे, एंड और सर्कल द नंबर 5 गिट 5 जो नंबर है उसके गिट हमने दायरा लगाना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ हमें देखिए इतना बना हुआ है बेलून ऐसा, ठीक है। अब इसमें कुछ हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। 3 रोज हमारे पास है, ठीक है, 3 रोज हैं। अब इन रोज में नंबर 5 हमें अवेलेबल है, ठीक है, 5 नंबर्स हमें दिए हुए हैं। अब सिर्फ हमें उनको फाइंड करना है और उन्हीं को सर्कल करना है, ठीक है। फर्स्ट रो में 2 के बाद 5 है तो 5 को सर्कल करेंगे, समझ आ गई है। 4 के बाद 5 है तो हम 5 को सर्कल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 5 को सर्कल करेंगे। फर्स्ट रो में 2 5 थे तो उनको हमने सर्कल कर लिया। अब सेकंड रो में हमारे पास 3 2 5 4 5, 4 मिड में है, 5 दोनों में, ठीक है, तो हमने इनको सर्कल करना है नंबर 5 को, तो हम 5 को दोनों 5 को हम सर्कल कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो में भी 2 5 थे उनको सर्कल कर दिया, सेकंड रो में भी 2 5 है उनको हमने सर्कल कर दिया। लास्ट रो में 1 2 2 5 है ना, 2 के बाद 5 है, फिर 4 के बाद 5 है, ठीक है, और लास्ट पे डबल। क्या किया हमने, एक्टिविटी की है 1 to 5 में, जो फर्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है वो है फाइंड एंड सर्कल द नंबर 5। नंबर 5 को हमने सर्कल किया है, ठीक है। आगे की कॉपीज में एज इट इज 5 को सर्कल करना है, ठीक है, पेज नंबर 25 पे, ठीक है, पेज नंबर इसका है 25, ठीक है, पेज नंबर 25 में आपने इसको सर्कल करना है, ठीक है, समझ आ गई है ना। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। अब जो हमारे पास सेकंड एक्टिविटी है पेज नंबर 26 पे वो है काउंट एंड राइट, ठीक है। क्या है काउंट एंड देन राइट, पहले काउंट करने हैं, ठीक है, कुछ हमें पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, कुछ यहाँ पे उन्होंने हमें पिक्चर्स दी हुई है, ठीक है, इनको हमने गिनना है, काउंट गिनना है, फिर जो आंसर हमारे पास आएगा, जो नंबर हमारे पास आएगा उस नंबर को हमने इन बॉक्सेस में राइट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट हमारे पास है पिक्चर उसमें हमें स्टार्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, स्टार्स दिए हुए हैं। अब इन स्टार्स को आप मेरे साथ मिलकर काउंट करें, ठीक है, 1 2 3 4, कितने स्टार्स हैं, 4 स्टार्स है ना, तो अब यहाँ पे इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 4 लिखना सिखाया था ना आपको इसमें प्रीवियस सेशन में, उसे कैसे लिखते हैं, 4 पहले एक स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं, ठीक है, एक स्टैंडिंग लाइन लगेगी, देन एक स्लीपिंग लाइन लगेगी, स्लैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और फिर इस स्लीपिंग लाइन को क्रॉस करते हुए एक स्टैंडिंग लाइन लगेगी, ठीक है, इस स्लीपिंग लाइन को क्रॉस करते हुए एक स्टैंडिंग लाइन लगेगी। ये देखिए, ये थोड़े से इसका एज थोड़ा बाकी है, ठीक है, जो स्लीपिंग लाइन का थोड़ा सा लाइन जो है वो बाकी आनी चाहिए इस स्टैंडिंग लाइन से, समझ आ गई है। कितने स्टार्स थे, 4। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ग्रेप्स, क्या दिए हुए हमें, ग्रेप्स दिए हुए ना, कितने हैं, काउंट करें मेरे साथ, 1 2 एंड 3, कितने हैं, ओनली 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 3 राइट करेंगे, 3 हमें लेफ्ट राइट करना है, बॉक्स के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन निकाली है, एक स्लीपिंग लाइन है,
ठीक है, एक स्लिपिंग लाइन लगेगी, देन एक स्लैंटिंग लाइन लगेगी, ठीक है। जो स्लिपिंग लाइन लगाई है उसका एच और जो स्लैंटिंग लाइन लगाई है उसका एच इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देन हम इसका राउंड एक कर्व करेंगे और थोड़े से ऊपर उठा लेंगे, ठीक है। बॉक्स के साथ टच करना है, बॉक्स से ऊपर या बॉक्स से नीचे बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ बॉक्स के अंदर आपका नंबर आना चाहिए। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन एक कर्व, ठीक है। एक राउंड किया हमने सीधी तरह, स्मॉल सी तरह उल्टी, कितने थ्री बेस, थ्री। देन एप्पल्स किए हैं, पिक्चर समझ आ रही है आपको, कितने एप्पल्स हैं यहाँ पर, वन टू, टू एप्पल्स है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे बुक्स के अंदर, टू, क्या राइट करेंगे, टू। टू हमने कैसे लिखना है, बॉक्स के थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे रोड नजर आ रहा है ना आपको, यहां से हम स्टार्ट करेंगे स्लैंटिंग लाइन करते हुए, थोड़ा सा राउंड, देन रिवर्स स्लैंटिंग लाइन लगेगी और स्लिपिंग लाइन, ठीक है। ये नंबर क्या है, टू, टू एप्पल्स है ना, तो बॉक्स में भी हमने टू राइट किया है। लास्ट में जो पिक्चर हमें दी हुई है वो है फिश, फिश दी हुई है ना हमें, काउंट करेंगे मेरे साथ, वन टू थ्री फोर फाइव, कितनी फिश हैं, फाइव फिश हैं। तो हम यहां पे क्या राइट करेंगे, फाइव, फाइव कैसे लिखना है, पहले इसकी एक स्लैंडिंग लाइन लगेगी, पहले स्लैंडिंग लाइन लगेगी, फिर कर्व बनेगा और कर्व को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे माइनर सा, ठीक है, एक स्लैंडिंग लाइन लगेगा स्मॉल से और फिर स्लिपिंग लाइन, ठीक है। क्या लगाई हमने, स्लिपिंग लाइन, समझ आ गई है। क्या लिखे हमने, फाइव, ये फाइव फिश थी। हमने एक्टिविटी की है काउंट एंड राइट, ठीक है। फिर ये कुछ पिक्चर्स हमें उन्होंने दिए हुई थी, अब इन पिक्चर्स को हमने काउंट किया, जो नंबर हमारे पास अवेलेबल हुआ उसके बाद काउंट करने के बाद जो नंबर हमारे पास आएगा उसको हमने बॉक्सेस में राइट किया, फोर स्टार्स, थ्री ग्रेप्स, टू एप्पल्स और फाइव फिश। अब कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो है थर्ड पे जो एक्टिविटी है वो है वर्ड टर्म्स आफ्टर, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है वर्ड टर्म्स आफ्टर। क्या है, वर्ड टर्म्स आफ्टर, यानी कि बाद में आने वाले जो है नंबर्स वो लिखने हमने, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ठीक है, कुछ यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हैं उन्होंने, ठीक है। क्या नंबर है वो, वन थ्री टू फोर, ठीक है। अब जो इनके बाद जो आएंगे नंबर्स वो हमने इधर राइट करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर पे हमें क्या दिया हुआ है, वन, ठीक है। क्या है, वन, वन के बाद क्या आता है, टू, क्या आता है, टू। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, टू, टू। बॉक्स थोड़ा नीचे स्टार्ट करेंगे, राउंड करते हुए स्लैंटिंग लाइन, देन स्लिपिंग लाइन, ठीक है। क्या आएगी, स्लिपिंग लाइन, पहले राउंड करेंगे, ठीक है, देन स्लैंटिंग लाइन आएगी, तिरछी लाइन आएगी, टेढ़ी लाइन आएगी, फिर स्लिपिंग लाइन, बॉक्स की लाइन के जो लास्ट पे है उसके ऊपर, ठीक है। वन के बाद क्या आता है, टू, थ्री, थ्री के बाद क्या आता है, क्या आता है, फोर, क्या आता है, फोर। फोर हमने कैसे राइट करने हैं, बोर्ड से देखें, स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे पहले, ठीक है, पहले स्लैंटिंग लाइन लगेगी, स्लिपिंग लाइन, देन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। इससे पहले जो एक्टिविटी थी उसमें भी हमने फोर राइट करना सीखा था, सीखा था ना, फोर कैसे लिखा था, स्लिपिंग लाइन लगाई थी, स्लैंडिंग लाइन लगाई थी, सॉरी, ठीक है, स्लैंडिंग लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, ये सब सीखा था ना, ऐसे तो सब यहां पर लिखा है। फिर जो थर्ड नंबर है वो है टू, टू के बाद क्या आता है, थ्री, क्या आता है, थ्री,
स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे, देन राउंड करेंगे, और राउंड करते हुए थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे माइनस इसको ऊपर उठाने के लिए, बिकॉज इसको और इसको हमें इक्वल करना है। टू के बाद क्या राइट किया है, थ्री, ठीक है। लास्ट नंबर हमारे पास है फोर, फोर के बाद क्या आता है फाइव, जो हमारी एक्टिविटीज थी वो भी वन टू फाइव थे ना, वन टू फाइव तक हमने लिखना सीखा था। अब वहां तक जो लास्ट नंबर है हमारे पास है वो फाइव है। फाइव कैसे लिखना है, पहले स्लैंटिंग लाइन लगेगी, स्लैंटिंग तिरछी टेढ़ी लाइन लगेगी, देन इसका एक राउंड बनेगा उल्टे सी की तरह, और उसको उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, ठीक है, स्लैंटिंग लाइन लगा दो, इसमें थ्री का किया था, और फिर एक स्लीपिंग लाइन। समझ आ गई है, ये देखिए मैंने क्या किया है, वर्ड कम्स आफ्टर, इसके बाद में क्या आता है, ठीक है। कुछ नंबर हमें दिए हुए थे, वन के बाद क्या आता है टू, थ्री के बाद फोर, टू के बाद थ्री, एंड लास्ट में फाइव के बाद, फोर के बाद फाइव। समझ आ गई है, अब हम इसे नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारी फोर्थ एक्टिविटी है, लास्ट एक्टिविटी हमारी स्टेज की, ठीक है, इस एक्टिविटी यानी कि 1 टू 5 की पेज नंबर 28 पर, यह है लास्ट एक्टिविटी हमारी, ठीक है। क्या है, मैच दी पिक्चर विद नंबर्स, ठीक है, मैच दी पिक्चर्स विद नंबर्स, ठीक है। कुछ हमें नंबर्स दिए हुए हैं और कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इन पिक्चर्स को हमें काम करना है इन नंबर्स के मुताबिक, ठीक है। कितने यानी कि वन है, तो वन जहां पिक्चर होगी उसको हम इसको मैच कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पे है नंबर वन, ठीक है, क्या है नंबर वन, पिक्चर्स में हम काउंट करते हैं, देखिए फर्स्ट पे वन टू थ्री फोर फाइव, ये तो फाइव है। ट्रायंगल कितने हैं थ्री, लीव्स कितने हैं फोर, सर्कल कितने हैं वन, वन को हम सर्कल के साथ मैच कर देंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर जो हमारे पास है वो है टू, क्या है टू, टू कहाँ पे है, टू है पेंसिल्स, क्या है पेंसिल्स, तो हम टू को पेंसिल्स के साथ मैच कर देंगे। समझ आ गई है, पेंसिल्स काउंट करें वन टू, नंबर भी है टू, इसके बाद है थ्री, नंबर थ्री, थ्री हमने पहले भी काउंट किए थे, क्या थे ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स कितने हैं थ्री है, तो हम थ्री को ट्रायंगल्स के साथ मैच कर देंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है फोर, बुकेस तो हमारे पास फाइव थे, लीव्स फोर है, फोर लीव्स काउंट कर देखें वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है। लास्ट पिक्चर हमारे पास क्या बची है बुकेस, ठीक है। अब इन बुकेस को हम काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव है ना, लास्ट नंबर क्या बचा है हमारे पास फाइव, इस फाइव को हम बुके के साथ मैच कर देंगे। समझ आ गई है, क्या एक्टिविटी हमारी लास्ट एक्टिविटी क्या थी, मैच द पिक्चर विद नंबर्स, ठीक है। ये हमारी लास्ट एक्टिविटी आपने घर में अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से काम आ जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।